वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी हबीब का आउटलेट नहीं चलेंगे। हिंदुओं खड़े हो जाओ, अब उन पर थूकने का काम करो जो तुमको अपमानित करते हैं। 48 घंटे के अंदर यदि आपने इसके सेंटर्स बंद नहीं किए तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। इंदौर जिले में आज के बाद अगर हबीब का कहीं भी बोर्ड दिखा तो वो पूरा शोरूम तोड़ दिया जाएगा, जिसको प्रशासन को हमारे खिलाफ जो कार्रवाई करनी हो कर ले। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। जावेद हबीब को आप गीदड़ की जगह रख सकते हैं, क्योंकि उसने वही किया है जिस पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है। क्योंकि उसने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, धारदार कुल्हाड़ी पर ही पैर दे मारा। महिला की अस्मिता और मान सम्मान के लिए जाने जाने वाले इस देश में, जहां उसे लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, उसके माथे पर एक बाल काटने वाला थूक देता है। और पानी की कमी है ना, अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए उसका अपमान करता है। लेकिन उसकी ये मनमानी उसके धंधे के ताबूत में आखिरी कील है। नारी के सम्मान में जावेद हबीब ने महिला के माथे पर नहीं, अपने करियर पर थूका है, अपने नाम पर थूका है, जिसकी वजह से वो पैसे कमा रहा था। लेकिन उसी नाम को देखते ही लोग अब आक्रोशित हो जा रहे हैं। जिस हबीब के नाम को देखकर लोग बाल कटवाने के लिए लाइन लगवाते थे, उसी सैलून को तोड़ने और फोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। और मैं स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इंदौर जिले में आज के बाद अगर हबीब का कहीं भी बोर्ड दिखा तो वो पूरा शोरूम तोड़ दिया जाएगा, जिसको प्रशासन को हमारे खिलाफ जो कार्रवाई करनी हो कर ले। हम शांतिपूर्ण तरीके से काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रशासन को आज आवेदन देंगे। उसके बाद भी अगर हबीब कल से किसी भी जगह खुला तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पूरी जवाबदारी लेती है उसको तोड़ने की। यह ऐलान मध्य प्रदेश की करणी सेना का है। प्रशासन को जुलूस निकालकर चेतावनी दे दी गई है, और इसके बाद भी जावेद हबीब का नाम को इस्तेमाल करता है तो उसका हश्र क्या होगा, ये बता दिया गया है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने इंदौर में घूम घूम कर ऐसे सैलून चिन्हित किए और उन्हें चेतावनी भी जारी कर दी। पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी हबीब का आउटलेट नहीं चलेंगे। हमारे देश की मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश की आवाम और जनता को सोचना चाहिए कि जो बेचारे खानदानी सैन हैं, नई समाज के लोग हैं, जो बेचारे जगह जगह अपने शोरूम लेके बैठे हुए हैं, अपनी दुकान लेके बैठे हैं, कहीं ना कहीं हम उनको छोड़कर, और ये जो हबीब को ये अच्छा है डिजाइनर हो सकता है, लेकिन क्या इसके द्वारा बनाए गए सारे आउटलेट भी अच्छा काम होता है क्या? नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये अपनी भेड़ वाली चाल बंद करनी पड़ेगी और ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से तोड़कर, इनकी ब्रांड वैल्यू खत्म करके कहीं ना कहीं इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। इधर जावेद की इस गंदी हरकत के बाद इसका असर भी देखने को मिल रहा है। दुकानदार खुद हबीब के नाम से चिढ़ने लगे और अपनी दुकानों के नाम बदल रहे हैं। इंदौर के तुकोगंज इलाके में हबीब ब्रांड का सैलून चलाने वाले अमित दांत्रे ने अपनी दुकान का नाम बदलने और हबीब की फ्रेंचाइजी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने हबीब द्वारा एक महिला के बाल संवारते वक्त उसके सिर पर थूकने के कृत्य से आहत होकर स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के अपने सैलून का नाम बदलने का फैसला किया है। अब मैं नए नाम से अपना सैलून दोबारा शुरू करूंगा। और पानी की कमी है ना। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में एक ट्रेनिंग कैंप के दौरान हबीब ने एक महिला के बालों में थूक दिया था, जिसके बाद उसके खिलाफ देश भर में विरोध हो रहा है और उसके नाम के सैलून और ट्रेनिंग सेंटरों को बंद करवाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। कैसा कैसा व्यवहार चल रहा है, आटे में थूक देते, महिलाएं कटिंग कराने जाती है उनके बालों में थूक देते हैं। अरे जिनकी थूकने की संस्कृति है, हिंदुओं खड़े हो जाओ, अब उन पर थूकने का काम करो जो तुमको अपमानित करते हैं। और इसलिए ध्यान रखो, ये जो थूकने वाले लोग हैं, जो भारतीय कल्चर पर हाथ उठाते हैं, इनके खिलाफ, इनके इनका शरीर को तोड़ना है, इनके खिलाफ माहौल बनाना है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।